वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड मेकअप ऑन अगेन विद योर सनी। आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, आई एम टू शेयर माय ऑनेस्ट एंड पर्सनल रिव्यू एंड स्वाच ऑफ द कंसीलर। ये न्यूली लॉन्च्ड तो नहीं है बट ये काफ़ी दिन हो गया है, 5 to 6 months अराउंड शायद लॉन्च किया है। दिस इज द कंसीलर फ्रॉम पैक टेक कवर कंसीलर। ये इसका आउटर कॉटन और ये इसका ट्यूब। कलर्स की जो कंसीलर है ना, आप लोग जो यूज़ कर चुके हो उसे, उसके साथ आपको ये इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज़ नज़र आएगी। इसका ओरिजिनल ट्यूब है, ये है इसका शेड, माय शेड इज 01 बीच सैंड, सॉरी या मेरा शेड है 01 बीच सैंड। और ये इसका आउटर कर्टन है, इसका ट्यूब है। मैंने जैसे इसका पैकेजिंग मुझे बहुत बढ़िया लगा डियर। इसमें 2 foot एप्लीकेटर के जैसा बहुत ही सॉफ्ट वाला एप्लीकेटर है। इसका शेड है ऐसा ही हाइलाइटिंग कंसीलर है, थोड़ा येलो अंडरटोन में है। आप सोचोगे था मैं अभी भी इसे लगा के बैठी हूँ, बट आपको कोई भी ओवर कुछ नज़र नहीं आएगा बिकॉज स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है, अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या आपका कबूकी ब्रश या कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ इसे अच्छे से आप सिर्फ ब्लेंड करो डियर। बहुत अच्छा लाइट वेट फॉर्मूला है और ये कोई भी ना आपको ओवर जो स्टिकीनेस या ड्राई कुछ फील नहीं करती है। जैसे कि पैक का मैं पर्सनली पसंद करती हूँ स्पॉटलाइट वाला कंसीलर, दैट इज़ फुल कवरेज वन, बट ये वाला फुल कवरेज नहीं है। मैं पहले मीडियम कवरेज प्रोवाइड करेगा, बट आई विल शेयर माई ट्रिक कि आप इसे कैसे अपना एक्ने स्कार और डार्क सर्कल मिनिमाइज करने के लिए फुल कवरेज कंसीलर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। उसके लिए डियर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री वाला रेड बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। यह है पैक टेक कवर कंसीलर का आउटर कर्टन। इसका क्वान्टिटी है 6.8 ग्राम और यहाँ पे आपको शेप नज़र आ जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेजिंग, आई रियली लाइक इट। और शेड है बीच सैंड, 01 वाला शेड है इसका, बिकॉज बाकी के शेड जो 02 था मैंने पहले सोचा वो वाला खरीदूँ, बट उसमें थोड़ा पीच अंडरटोन, पिंक अंडरटोन लगा, तो आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ पीच अंडरटोन वाला कंसीलर। बिकॉज माई अंडरटोन इज येलो, तो मैं येलो अंडरटोन वाला ही पसंद करती हूँ कंसीलर। और ये वाला कंसीलर बहुत ही अच्छा है, मैं आप इन डिटेल्स से शेयर करूँगी। पहले थोड़ा आप देख लो, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा बड़ा है, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, आप अच्छे से इसे देख लेना। और पैक www.packcosmetics के साइट में जाके भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका टैग लगाया हुआ है, तो मैं बाकी का तो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ये यहाँ पे इसका बर कोड है और इसका जो शेल्फ लाइफ है 3 years, यहाँ पे मार्केटिंग वाला जो सब कुछ है इन डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है और बैच नंबर है। और यहाँ पे डियर बॉटम में और ये इसका ऊपर में कुछ शेड वगैरह आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। देन आप ये वाला ट्यूब देखो, जैसे कि मैंने आपके साथ बोला था, ये इसमें आपको काफ़ी सिमिलरिटीज़ लगेगी एले कलर्स का जो एक कंसीलर आती है उसके साथ, सेम पैकेजिंग। मैं वो वाला 3 to 4 times यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा वाला है। और जो फेमस यूट्यूबर है मालविका शितलानी, वो भी उसे रिकमेंड करती है, आई रियली लाइक दैट कंसीलर। और यहाँ पे इसका जो शेड है ना, वो स्टिकर में आती है बीच सैंड, बट आप काफ़ी देर तक यूज़ करोगे डियर तो ये हट सकती है। तो इसमें और कहीं पर भी ये मैंशन नहीं किया हुआ गया आपका शेड, दैट्स अ बैड पॉइंट डेफिनेटली। यहाँ पर इनका इन्ग्रीडियंट्स है, पैक कॉस्मेटिक्स .com में जाके इन डिटेल्स आप जान सकते हो। ये क्रुएल्टी फ्री है। फिर ये तो आप देख सकते हो, मैंने मॉर्निंग में अभी तक कुछ भी मेकअप नहीं किया है, डिडंट मेक माई आईब्रोज, माई आईज, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने अप्लाई किया है मेरा वाला प्राइमर, दिस ब्लैक में एब्सोल्यूट ब्लड प्राइमर। इसकी ऑलरेडी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो आपने अभी तक नहीं देखा मेरे चैनल में तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। तो मैंने इसलिए मेरे एकदम बेयर स्किन में आपके साथ ये शो करूँगी, क्योंकि हाउ टू हाइड मेरा उतना ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है, आप क्लोज में दिखोगे तो माई डार्क आई एरिया लिटल बिट ड्राई एंड उसमें पर्पलिश थोड़ा सा डार्क सर्कल है। एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ एडल्ट एक्ने स्कार्स जो रिसेंटली मेरी हुई थी, अभी एक्ने तो बहुत नहीं है, एक और दो ही है, बहुत ही लाइट एकदम क्लियर स्किन है, बट उसका स्कार्स मेरी स्किन में है। तो मैं जो करती हूँ डियर, मैं थोड़ा सा मेरे शेड से एक शेड ब्राइटर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 2-in-1 तरीके से मेरे कंसीलर को मैं काम करवाती हूँ। मैं आई डोंट लाइक टू यूज़ एनी फाउंडेशन और मुझे ये हाइड करना है। आपको मैं दिखाऊंगी 2 hacks, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ स्कार्स, पिगमेंटेशन, सन स्पॉट्स, फ्रेकल्स, तो आप उस जगह में पहले अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। और आपका लिप लाइन भी बहुत डार्क है तो यू हैव टू यूज़ देयर
अच्छे से आपको वहाँ पे लगाना है, जिस भी स्पॉट्स में मैं अप्लाई करती हूँ, स्पेशली माई दिस पार्ट इज़ प्रॉब्लमेटिक, बहुत सारे एक्ने स्कार्स है और इसमें है टैन भी है, तो आप देख सकते हो तो इसको कितने अच्छे से ये वाला कंसीलर कंसील कर देती है। और नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इस अंडर आई एरिया में, और थोड़ा सा मैं लीड में भी अप्लाई करती हूँ क्योंकि मैं इसे एज प्राइमर भी यूज़ करती हूँ बिफोर अप्लाइंग माई आई शेडो। एंड थोड़ा सा जो हाईलाइटेड पॉइंट होती है ब्रिज ऑफ नोज एंड फोर हेड, यहाँ पर आपको लगाना है। दिस टू पार्ट ऑल्सो लिटिल विट डार्क, तो यहाँ पर भी आपको लगाना है। और आपका क्यूपिड बो पे भी अब लगाओ। तो जो ट्रिक मैं करती हूँ इसे एज ए फाउंडेशन की तरह मैं यूज़ करती हूँ, माई शेड इज आपका जो टेक कवर कंसीलर है माई शेड इज बीच सैंड, ये एकदम 01 शेड है, बहुत ही फेयर वाला शेड है। तो मैं जैसे कि आपको रिकमेंड करूँगी इफ़ यू हैव लॉट ऑफ स्कार्स एंड यू वॉन्ट टू हाइड दैट विथ कंसीलर फॉर लॉन्ग टाइम, यू हैव टू push this into your the scars or into your skin whatever with your fingers first. आप इसको अच्छे से थोड़ा ऐसे ऐसे करके फिंगर की हेल्प से, इसे मिड फिंगर की हेल्प से अच्छे से इसे थोड़ा सा पुश कर दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जितना कंसीलर ड्राई होगा उतना अच्छे से आपको कवरेज मिलेगी, दैट्स अ ट्रिक, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर योर आईज। आईज में आप जितना जल्दी हो सके क्विकली ब्लेंड कीजिए बिकॉज आई इज वेरी सेंसिटिव एंड बहुत ही पतला होता है, तो स्किन में अगर थोड़ा सा भी क्रीज होने की बहुत ही चांसेस होती है, तो क्रीज ज़्यादा हो जाए तो क्रीज में अगर कंसीलर बैठ जाए ना दैट डजंट लुक गुड। तो आपको अच्छे से यहाँ पे आप ऐसे छोड़ दीजिए, आपको दिख रहा है ऑलरेडी यू गॉट ऑलरेडी मैंने मेरा फाउंडेशन जैसा एक लेयर पा लिया है। और यहाँ पे मैं जो करती हूँ पहले थोड़ा सा फिंगर के साथ इसे ब्लेंड कर देती हूँ ताकि ये भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहती है, बहुत देर तक ड्राई। मैं अगर कंसीलर लगाती हूँ मॉर्निंग में 8:30 तो रात के 10:30 तक सेम ही कवरेज रहती है, कोई क्रीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं करती है बिकॉज मैं थोड़ा सा प्राइमर लगा लेती हूँ एंड फिर उसके बाद मैं कंसीलर भी यूज़ करती हूँ। फिर अच्छे से इसे ऐसे ही सेम टू सेम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैसे ही कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली कंसीलर एप्लीकेशन ऑल्सो। आपके अगर बहुत ही आपको कंसीलर लगाना नहीं आती है एंड इफ यू हैव लॉट ऑफ स्पॉट्स स्कार्स एंड अंडर आई डार्क सर्कल्स, आप ऐसे ही यूज़ कीजिएगा, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। आपका पहले जो कवरेज होती थी जितना लॉन्ग लास्टिंग होती थी कंसीलर उससे ज़्यादा होगी। और ये वाला कंसीलर मैं आफ्टर फिट मी कंसीलर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, एफोर्डेबल भी है, बहुत अच्छा कवरेज भी देती है। तब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी डियर, आप एक मिरर ले लो और डैम्प जो पूना ब्यूटी ब्लेंडर है मेरे पास पूना ब्रांड का बहुत ही अच्छा वाला है, इसके साथ आप जितना क्विक हो अच्छे से प्रेस करते हुए इसे ब्लेंड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आई एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ताकि कोई भी क्रीज नहीं हो, यहाँ पे एकदम फ्लॉलेस रहे। अब देख सकते हो आई एरिया बहुत अच्छे से ब्राइट फ्लॉलेस हो गई है, कोई भी क्रीज वगैरह की यहाँ पे कुछ भी नहीं हुई है। ओके नाउ ब्लेंडिंग माई रेस्ट ऑफ द फेस विद दिस डार्क ब्यूटी ब्लेंडर, जिसको मैंने पहले से ही थोड़ा सा फिंगर के साथ पैट कर दिया था लेकिन टोटली मसाज नहीं किया, टोटली ब्लेंड नहीं किया था ताकि मुझे फुल कवरेज चाहिए। आप देख सकते हो अभी मेरे स्किन में आपको टोटल फाउंडेशन के जैसा कवरेज मिलेगी, कोई भी स्पॉट्स नहीं दिखाई दे रही है बट स्किन जैसा एक फ्लॉलेस लग रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिडंट अप्लाई एनीथिंग ऑन माई नेक लेकिन आपको ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है। आपको लगाने के टाइम पे लगेगा कंसीलर थोड़ा ब्राइट लेकिन अच्छे से आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करोगे डियर तो उतना अच्छे से ये स्किन के साथ मैच हो जाएगा। और फिर इसको आप अपना कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ आप यूज़ कीजिए, सेट कीजिए तो बहुत देर तक रहेगी और एक फाउंडेशन के जैसा फ्लॉलेस फिनिश देगी विदाउट एनी स्कार्स पिगमेंटेशन अंडर आई डार्क सर्कल्स। तब देख सकते हो आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस फेयर एंड ब्राइटर हो गई है, इसको आप सेट कीजिए बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी। बिगिनर्स के लिए आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली फॉर बिगिनर्स बहुत ही हेल्पफुल हुई है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा कंसीलर टू हाइड योर स्पॉट्स एंड हाइड योर डार्क सर्कल, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।